नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं BSNL 4G और 5G लॉन्च के बारे में बताऊंगा, क्योंकि BSNL 4G और 5G लॉन्च के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है वो हमारे पास निकल के आ चुका है। दोस्तों 22 जनवरी 2024 यानी भारत के अंदर जो UP ईस्ट सर्किल है, अयोध्या के अंदर राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, जिस कारण से वहाँ पर बहुत सारे चीज जो है वो यहाँ पर चेंज होने वाला है। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए BSNL कंपनी की तरफ से राम मंदिर के आसपास के जो इलाका है वहां पर 4G और 5G सर्विसेज को ऑलरेडी चालू कर दिया है। दोस्तों ये काफी बड़ा अपडेट है, क्योंकि BSNL कंपनी फाइनली अपने 4G सर्विसेज को UP ईस्ट सर्किल के अंदर यहां पर स्टार्ट कर दिया है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और भारत के कौन कौन से जगह के अंदर अभी के टाइम के अंदर BSNL कंपनी अपने 4G और 5G सर्विसेज को चालू कर रहा है, पूरा डिटेल्स बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए BSNL कंपनी का जो 4G और 5G स्पेक्ट्रम है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास से उनको मिल चुका है, लेकिन अभी के टाइम के अंदर जो BSNL सर्विस स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 4G, और जून महीने के बाद अपना जो 5G सर्विस है वो यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, ऐसा कहना है BSNL के CMD PK पावर का। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर IIT मैड्रास और अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर BSNL कंपनी अपने 4G और 5G सर्विसेज को चालू कर रहा है, उसी के साथ BSNL वहाँ के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए कुछ कोर्सेज भी यहाँ पर ऑफर कर रहा है। लेकिन भारत के अंदर पंजाब सर्किल, साउथ इंडिया के बाद अभी यूपी ईस्ट सर्किल को यहां पर टारगेट किया गया है, क्योंकि वहां पर 22 जनवरी के अंदर अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका इनॉग्रेशन है, जिस कारण से मिली राम मंदिर या उससे एसोसिएटेड जो एरिया है वहां पर BSNL कंपनी अपने 4G टावर को इंस्टॉल कर दिया है। देखिए राम मंदिर के आसपास BSNL कंपनी 3 जगह के अंदर ऑलरेडी 4G टावर को बैठा चुका है। अगर मैं 3 एग्जैक्ट पॉइंट की बात करता हूं तो यहां पर 3 स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बताया गया है, जैसे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, उसी के साथ राम टेंपल के अंदर एक बैठा गया है, उसी के साथ 10th सिटी। ये 3 जगह के अंदर BSNL कंपनी अपने 4G मोबाइल टावर्स को यहाँ पर बैठा चुका है। यहीं पर ही नहीं, BSNL फरवरी से पहले ही यूपी ईस्ट के मैक्सिमम जगह के अंदर अपने 4G टावर्स को यहाँ पर बैठा देंगे। BSNL का ये टारगेट है कि यूपी ईस्ट को पूरे तरीके से फरवरी महीने के अंदर 4G से कवर कर देना। जी हाँ दोस्तों, यानी फरवरी यानी अगले ही महीने के अंदर BSNL हर एक जगह के अंदर अपने 4G टावर्स को यहाँ पर बैठा देंगे यूपी ईस्ट सर्किल के अंदर। उसी के साथ BSNL कंपनी यहाँ पर जो अपने 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च कर रहा है, आपको पता है ये कंप्लीटली इंडिजिनियस वे से लॉन्च कर रहा है, यानी जो सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर है, जो इक्विपमेंट है वो भारत के अंदर बना हुआ है, TCS कंपनी ये बना रहा है, और जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहा है वो तेजस नेटवर्क मैन्युफैक्चर कर रहा है, और इसका प्रोसीजर जो वो चल रहा है। देखिए भारत एक काफी बड़ा देश है, और एक झटके के अंदर पूरे देश के अंदर 4G 5G सर्विस लॉन्च करना कोई भी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन BSNL ये काम धीरे धीरे कर रहा है, और एक बार अगर कंप्लीटली ये हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाते हैं, तो BSNL ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट यहाँ पर कर देंगे। सिर्फ मोबाइल सेगमेंट के अंदर ही नहीं, अगर मैं ब्रॉडबैंड सेगमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर BSNL के अंदर यूपी ईस्ट सर्किल के ऊपर 46,000 ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, और BSNL चाहते हैं कि वो सारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन हर एक के साथ ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जाए, यानी जो भारत फाइबर कनेक्शन है उसे यहाँ पर दिया जाए, जिस कारण से ये जो 46,000 ब्रॉडबैंड कनेक्शन है इसे ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर अपग्रेड का जो काम है वो भी यहाँ पर चल रहा है। देखिए पूरे भारत के अंदर अगर मैं अक्टूबर 2023 की बात करता हूँ तो रिसेंटली जो ट्राई का रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, BSNL के जो मोबाइल यूजर्स है वो ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास जो यूजर्स है वो यहाँ पर लॉस हुए। लेकिन अगर मैं सिर्फ यूपी ईस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर BSNL का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। सिर्फ अक्टूबर महीने के अंदर BSNL 31,920 नया ग्राहक BSNL यहाँ पर जुड़ा है, और यूपी ईस्ट सर्किल के अंदर BSNL का जो टोटल ग्राहक है वो है 81,28,335। तो इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर है BSNL का यूपी ईस्ट सर्किल के अंदर, तो किस तरीके से BSNL यूपी ईस्ट को इग्नोर कर सकते हैं, जिस कारण से जितना जल्दी हो सके BSNL कोशिश कर रहे कि अपने 4G और 5G सर्विस उसी के साथ अपने ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस मिली यूपी ईस्ट सर्किल के अंदर प्रोवाइड किया जाए, जिसका काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों BSNL यहाँ पर काफी बढ़िया काम किया है, जिसका पूरा डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, आपसे उससे मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।